हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगैन का सैफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी कटहल टिक्का। आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने घर में अपने रेस्टोरेंट में कटहल टिक्का कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। कटहल टिक्का बनाने के लिए आपको कटहल काट के दिखाता हूँ। ये काटने का बहुत तरीका होता है। आपने सबसे पहले ऑयल लेना है, मस्टर्ड ऑयल, और ऐसे हाथ में लगाना है ताकि आपके हाथ में ये चिपके ना। इसके अंदर से एक दूध निकलता है, वो हाथ में बहुत ही चिपकता है। फिर आप चाकू में भी लगा लें इस तरीके से, और आपने यहाँ से काटना है इतना चौड़ा, ये देखिए, क्योंकि हमने इतना बड़ा ही बनाना है, तो इस तरीके से काट लें। ये देखिए, देखने वाली चीज ये है, कटहल आपने एकदम सफेद लेना है, कटहल सफेद होना चाहिए। अगर आपको मार्केट में पीला कटहल मिलता है तो आप ना लें, कोई भी चीज आप पीले कटहल से ना बनाएं, एकदम ऐसा सफेद होना चाहिए, उससे बनाएं। आपने ऐसे काटना है, उसके बाद एक और सेम काट लेना है आपने, ये देखिए। अब आपने यहां से ऐसे काटना है, छीलना नहीं है, आपने काट के छीलें, पहले छीलेंगे तो मजा नहीं आएगा। और ये जगह ना काटें, अगर आप ये जगह काट देंगे तो कटहल पूरा चितर बितर हो जाएगा। ऐसे काटने के बाद छीलने का तरीका आपको बता दे रहा हूं, ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है ये छीलने का। आप अगर एक साथ पूरा कटहल छीलने की कोशिश करेंगे तो आपसे सही से नहीं छिल पाएगा और कटहल की शक्ल भी बिगड़ जाएगी। तो आप ऐसे काटें और ऐसे छील लें, मैं भी अब सारे इसी तरीके से छील लूंगा। ये देखिए, मैंने सारे कटहल काट लिए हैं, आप भी इसी तरीके से काट लें। अब हम इनको करेंगे बॉयल। कटहल बॉयल करने के लिए आपने उबलते हुए पानी में कटहल को डाल देना है। इसको आपने ब्लांच करना है, मतलब आपने इसको 60% बॉयल करना है बस। ऐसे कटहल डालने के बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा सा नमक, नमक जरूर डालें आप। ये देखिए, कटहल 60% उबल चुका है, आप भी इसी तरीके से उबाल लें और इसको छान लें। अब मैं भी ये छान लूंगा। ये देखिए, कटहल बहुत ही अच्छे से उबला है, जितना हमको चाहिए था उतना ही उबला, एकदम बेहतरीन हो गया है और ये ठंडा भी हो चुका है। अब इसमें बहुत ही बेहतरीन टेस्ट देने के लिए आपने इसको मैरिनेट करना है पहले। अब मैं आपको मैरिनेट करके दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले इसमें डालना है देगी मिर्च, काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, मस्टर्ड ऑयल, लेमन जूस। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने इसमें एक चीज ऐड करना है मेरे लिए, थोड़ा सा धनिए के पत्ते, और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। धनिए के जब आप पत्ते डालेंगे ना तो आपको अपना पन नजर आएगा इसमें, आपको ये लगेगा कि हम ये कोई जानी पहचानी चीज बना रहे हैं, आपको बहुत मजा आएगा। अब इसका कलर देखिए आप, मटन ना भूल जाएं तो मेरा नाम भी खुर्शीद आलम नहीं है, बहुत मजा आने वाला है आपको। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है आधा घंटा या फिर एक घंटा। अब हम बनाएंगे मसाला। मसाला बनाने के लिए लिया है मैंने एक डिप बॉल। डिप बॉल के अंदर आपने सबसे पहले डालना है दही यानी के हैंग कर्ड, 3 चम्मच दही। दही डालने के बाद आपने डालना है 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, जीरा पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी पाउडर। ये रेसिपी कुछ मैं हटके बना रहा हूँ, तो इसमें मैं डालूंगा चिल्ली फ्लेक्स, लेमन जूस, देगी मिर्च, नमक। ये सारी चीजें डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप कलर देखिए, बिना कलर डाले ही इतना अच्छा कलर आता है मेरे खाने में। इस तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको एक बार चख लेना है। वाह, मजा आ गया, सच में मजा आया है, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे मसाला मिलाने के बाद आपको कटहल के अंदर मसाला लगाना बताता हूँ। आपने एक पीस ऐसे लेना है, देखिए, और इस तरीके से मसाला लगाना है। आप सारा इसमें डाल के ऐसे ऐसे ना करें, नहीं तो सारा बर्बाद हो जाएगी आपकी मेहनत। जितनी आपने मेहनत की है वो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, क्योंकि कटहल टूट जाएगा। तो ये तरीका है, कटहल, पनीर या कोई भी आप बेहतरीन चीज़ बनाते हैं ना, उसको आपने हैंडल करना होता है। इसको बोलते हैं हैंडल करना, मीन्स आपकी चीज़ टूटनी नहीं चाहिए। ऐसे ये देखिए, ये तरीका है मसाला लगाने का। आप अगर मटन चिकन बनाते हैं उसमें डाल के ऐसे ऐसे मिक्स कर सकते हैं दोनों हाथ से, इसमें नहीं। इसमें आपने ऐसे प्यार से लगाना है, बहुत ही प्यार से, बच्चे की तरह। अब मैं इसी तरीके से सब में लगा लूंगा।
ये देखिए मैंने सब में मसाला लगा लिया है, आप भी इसी तरीके से लगाएं। अब मैं ये रख दूंगा कम से कम आधा घंटा, तब तक हम इसके लिए सासलिक काट लेंगे। आज आपको सासलिक काट के भी दिखाता हूँ कैसे काटते हैं। सासलिक हम काटते हैं प्याज, टमाटर और कैप्सिकम। काटने का तरीका ये है, ये देखिए, ये और ये आपने ऐसे काटा, उसके बाद इसको निकाल लिया। ये हो गई प्याज। उसके बाद आपको टमाटर काटने का तरीका बता देता हूँ, आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको हमेशा। ये देखिए आपने ऐसे काटा और एक के दो यहाँ से कर लिए। बीज अगर आ गया धोखे में तो ऐसे आप अंगूठे से निकाल सकते हैं। ये देखिए अगर आपको लगे चौड़ा है तो आप यहाँ से ऐसे पतला भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि कटहल भी हमारा बहुत ही बड़ा है, तो आप इस तरीके से काटें। कैप्सिकम ये देखिए एक के दो, और आपको लगे ये अगर वाइट का हिस्सा ज़्यादा आ गया तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ये तरीका होता है सासलिक काट, तो आप भी ऐसे ही काटें, मैं इसी तरीके से सारे काट लूँगा। सासलिक ऐसे काटने के बाद आपने सब उठा लेना है और इसमें डाल देना है बॉल में जिसमें हमने कटहल रखा था, ताकि हम जब कटहल लगाएंगे तो साथ में ये होना चाहिए, तो ये बाजू में ही आपने रखना है हमेशा। कटहल टिक्का लगाने के लिए आपने पतली वाली चौरस सीख लेना है, और ये जो कटहल का टिक्का है ये स्पेशल मैं अंकुश पुरी के लिए बना रहा हूँ। मिस्टर अंकुश पुरी, उनकी बहुत दिन से फरमाइश थी कि सेफ आप मुझे कटहल का टिक्का बना के बता दो, तो आई एम सॉरी सर फॉर दी डिले, देर होने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं था बनाने के लिए, इसलिए मैं बना नहीं पा रहा था, मेरे दिमाग से भी निकल जा रहा था। तो कल मैंने आपका कमेंट पढ़ा तो मुझे बहुत ही बैड फील हुआ कि मुझसे इतनी गलती हो गई, इतनी देर हो गई। तो आज मैं फाइनली आपके लिए ही लाया हूँ कटहल टिक्का, तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अब आपको लगाने का तरीका बता रहा हूँ आपने कैसे लगाना है। सबसे पहले आपने सासलिक लगाना है, एक भी लगा सकते हैं, दो या तीन, वो आपकी मर्जी, आप अपनी सुविधा के हिसाब से लगा लें। उसके बाद आपने कटहल लेना और ये देखिए यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लगाना है, देखा, ऐसे ही लगाएं। ऐसे लगाने के बाद फिर दोबारा सासलिक। अब ये सासलिक क्यों लगाते हैं ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको आज बता ही देता हूँ। इससे क्या होता है, गैप मिलता है। अगर आप सीधा कटहल लगा देंगे या पनीर पनीर लगा देंगे तो वो एकदम चिपक जाएगा, उसको जगह नहीं मिलेगी अंदर पकने के लिए, तो अंदर से ठंडा ही रह जाएगा और पकेगा भी नहीं, इसलिए ये लगाते हैं। इससे गैप मिलता है, थोड़ी जगह मिलती है ताकि ये अच्छे से पक पाए। सासलिक का काम ये है और इससे खूबसूरत भी लगता है। अब आपने इस तरीके से लगाना, ये देखिए, समझ गए आप, ऐसे ही लगाएं, मैं भी ऐसे ही सब लगा लूंगा। ये देखिए ये लग गया। अब आपने लास्ट में भी सासलिक लगाना है, सारी चीजें लास्ट में लगा दें। इससे क्या होता है, आपको आलू लगाने की जरूरत नहीं है, ये गिरेगा नहीं, ये इसको सपोर्ट करेंगे। अब ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से लगाया है, आपको भी देखने में मजा आ रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन। और अगर आपको लगे मसाला कम है तो आप ऐसे मसाला लगा भी सकते हैं। अब मैं ये डाल दूंगा तंदूर के अंदर, आपने ऐसे तंदूर में डाल देना है और इसको आराम से पकाना है। मैं निकालने के टाइम बताऊंगा कि कितना मिनट लगा इसको पकाने में। ये देखिए कितना बेहतरीन बढ़िया कलर आया है। आपने ऐसे एक बार इसको निकालना है और इसमें लगाना है बटर या फिर देसी घी। उससे क्या होगा ना, जब कटहल रोस्ट होगा ना तो उसकी जो खुशबू आएगी ना सोंधी सोंधी, तो बहुत ही मजा आएगा आपको खाने में। आपने इसको 8 या फिर 10 मिनट के बाद निकाल के घी लगाना है। मैंने 8 मिनट के बाद निकाल के इसमें घी लगाया है, आप भी ऐसा ही करें। दोबारा आप इसमें इस तरीके से डाल दें। अब मैं आपको दोबारा भी टाइम बताऊंगा कितने टाइम में मैंने निकाला और टोटल कितना टाइम लगा, और आपने ढक्कन जरूर ढकना है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कटहल टिक्का हो चुका है। अब मैंने इसको दोबारा 3 मिनट पकाया है बस, तो आप भी अपने तंदूर के टेम्परेचर के हिसाब से पका लें। मेरे टोटल 11 मिनट लगे हैं। कलर देखिए कितना बेहतरीन हुआ है। अब मैं आपको इसके निकालने का तरीका बता देता हूँ। आपने हमेशा की तरह आगे से सीख को साफ कर लेना है और उसके बाद आपने इसे हल्के हाथ से पकड़ना है प्यार से, और ऐसे रख देना है, प्यार से पकड़े, आपने जलना नहीं है। अब मैं इसी तरीके से सब निकालूंगा, आप भी ऐसे ही निकालें। ये देखिए कितना बेहतरीन हुआ है।
अब ये चीज मुझे बार बार बताने का मन करेगा, कलर देखिए आप, एक नंबर। अब आपने इसके ऊपर डालना है चाट मसाला और थोड़े से धनिए के पत्ते, इससे ज्यादा कुछ ना डालें, नहीं तो इसकी अपनी जो खूबसूरती है वो कम हो जाएगी। अब ये देखिए, आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ये देखिए फट गया है, इसका मतलब ये पक चुका है। बहुत ही अच्छे से पकाइए, देखिए आपको मजा आने वाला है खाने में, बस और कुछ नहीं बोलूंगा। आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, कटहल टिक्का, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया कि आप आसानी से कैसे बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आया, आपके दिल को टच किया, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए